हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड गार्लिक स्टिक, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना तो बहुत आसान है। आप इसे मिनटों में घर पे आराम से बना सकते हैं और इसमें आपको ओवन वगैरह कुछ भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ बटर लिया, 1 टेबल स्पून बटर ले लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने लहसुन को कद्दूकस करके डाला है, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप उसे डालें। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो चिली फ्लेक्स का यूज करें। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 पिंच के लगभग नमक डाल देंगे, क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए थोड़े से नमक का यूज करें। अच्छी तरीके से मिला देंगे। बटर को मैंने फ्रिज में रखा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप जब बनाना हो तो 1 घंटे पहले बटर को बाहर निकाल दें। और इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने ब्रेड लिए हैं, अब हम इसे ऐसे स्टिक में काट लेंगे। मेरे पास छोटे वाले ब्रेड थे तो मैं इसके 2 टुकड़े कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े वाले ब्रेड हो तो आप उसमें 3 से 4 कर सकते हैं। अब हम इस पे ऐसे बटर लगा देंगे, जो बटर और मिर्च का पेस्ट बनाए थे गार्लिक का, उसे लगा देंगे। अच्छी तरीके से लगा दें। सारे ब्रेड पे हम ऐसे ही लगा देंगे। और ये मैंने सारे स्टिक तैयार कर लिए हैं। अब इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब हम उस पे स्टिक्स रखेंगे। एक बार में जितने स्टिक आ जाए पैन में उतना रख दें। और इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट होने लगा है। अब एक तरफ से सिक गया, इसे पलट लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें और दूसरी साइड से भी चेक कर लेंगे। और ये देख सकते हैं दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है। इसे एक बार और पलट लेंगे। और ये हमारा बहुत ही मजेदार गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है। इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सभी गार्लिक ब्रेड को बना लेंगे। और ये देख सकते हैं मिनटों में हमारा बहुत ही टेस्टी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गया। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल आपको बाजार की तरह लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।